हमारा ये निरंतर प्रयास है कि मध्य प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुए, मध्य प्रदेश के हर परिवार का जीवन आसान हो, घर घर समृद्धि आए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अग्रणी नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए पेट्रोलियम, सड़क एवं आवास मंत्रालय द्वारा 1,62,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात इस प्रदेश के निवासियों को दी जा चुकी है। इसी श्रृंखला में आज मिलने जा रहा है लगभग 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकासमयी परियोजनाओं का उपहार, जिनमें शामिल है 147 करोड़ रुपयों की लागत से बनकर तैयार हुआ इंडियन ऑयल का जबलपुर LPG बॉटलिंग प्लांट, जिसके चालू होने से मध्य प्रदेश के 17 जिलों के तकरीबन 15 लाख ग्राहकों तक LPG की आपूर्ति होगी। 1765 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई गेल की विजयपुर औरैया पाइपलाइन, जिससे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के CGD नेटवर्क के लगभग 3 लाख घरों, 83 CNG स्टेशनों तथा उद्योगों को प्राकृतिक गैस उपलब्ध होगी। मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन प्रोजेक्ट के 1103 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 317 किलोमीटर लंबा नागपुर जबलपुर पाइपलाइन खंड, जिसके आने से 5 भौगोलिक क्षेत्रों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क विकसित होगा, 5,100 करोड़ रुपए की लागत की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, जिनके आने से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच यातायात सुगम और तेज होगा एवं आकांक्षी जिले खंडवा एवं बरवानी में बुनियादी ढांचा सशक्त होगा, जिससे विकास को तीव्र गति प्रदान होगी। और 128 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत बनाए गए इंदौर के लाइट हाउस प्रोजेक्ट, जिसमें गरीब परिवारों के लिए बनाए गए हैं 1024 किफायती एवं आपदा रोधी घर, जिनमें प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम के साथ प्री इंजीनियर्ड स्टील स्ट्रक्चर सिस्टम का उपयोग किया गया है। जहां एक ओर इन सुविधाओं के निर्माण चरण में लाखों मानव दिवस के रोजगार दिए गए, वहीं इनके कार्यान्वयन पर यहां के निवासियों के जीवन स्तर में भी बढ़ोतरी होगी। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए लगभग 8,300 करोड़ रुपए की 11 प्रगतिशील परियोजनाओं का।